दोस्तों, मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एनसीबी नारकोटिक्स का जो विभाग है उसके कार्यवाही पर किस तरह से कोर्ट ने टिप्पणी की है, ये खबर एनडीटीवी ने छापी है। और देश का और देश के लोगों का किस तरह से समय बर्बाद हुआ और जो सबूत पेश किए गए और जो पंचनामा बनाया गया एनसीबी की तरफ से, उसके बारे में कोर्ट ने क्या कहा है, ये आपको देखने वाली बात है। एनडीटीवी ने खबर छापी, इसमें लिखा कि आर्यन खान केस, व्हाट्सएप चैट पर्याप्त सबूत नहीं, ये कोर्ट कहता है। पंचनामा भी मनगढ़ंत, जो पंचनामा बनाया गया उसको भी कोर्ट ने संदिग्ध माना और मनगढ़ंत माना, कोर्ट की टिप्पणी। ये रिपोर्ट है, आपको बताना चाहते हैं। लेकिन एनसीबी ने इसको इस तरह से पेश किया कि शायद देश के अंदर ड्रग्स जैसी जो समस्या है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और समीर वानखेड़े एक नए योद्धा के रूप में शायद हिंदुस्तान के अंदर उभर के आएंगे। लेकिन कहानी कुछ और थी। कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, इस तरह की मिसाल शायद इसमें कायम होती है। अदालत ने अपने विस्तृत आदेश, जिसकी एक प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई, में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के पंचनामा रिकॉर्ड की सत्यता पर भी सवाल उठाया और कहा कि वो मनगढ़ंत और संदिग्ध लग रहे थे। पहले दिन से ही संदिग्ध लग रहे थे हर एक आदमी को। 2.5 ग्राम, 6 ग्राम चरस, इसके ऊपर ऐसा बताया जा रहा था कि शाहरुख खान का बेटा शायद बहुत बड़ा पेडलर है। बहरहाल आखिर हम आपको खबर सुनाते हैं कि मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई की एक विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते अच्युत कुमार को जमानत देते हुए कहा कि केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह नहीं पाया जा सकता कि उसने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स की सप्लाई की थी। ये एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया था। अदालत ने अपने विस्तृत आदेश, जिसकी एक प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई, में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पंचनामा रिकॉर्ड की सत्यता पर भी सवाल उठाया और कहा कि वो मनगढ़ंत और संदिग्ध लग रहे हैं। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस NDPS अधिनियम से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश VV पाटिल ने शनिवार को 22 वर्षीय कुमार को जमानत दे दी थी। अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप चैट के अलावा कुमार के ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। समीर वानखेड़े बिलावजी मेहनत कर रहे थे। आदेश में कहा गया कि केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक यानी कि अच्युत कुमार, जिसको जमानत दी गई, आरोपी नंबर 1 और 2 आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के बारे में आरोपी नंबर 1 और नंबर 2 लिखा गया को कंट्रोबैंड की आपूर्ति करता था, खासकर जब आरोपी नंबर 1 जिसके साथ व्हाट्सएप चैट होने के उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिया जा चुका हो। तीन अक्टूबर को क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट को पिछले गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। विशेष अदालत ने यह भी कहा कि कुमार के खिलाफ मामले के किसी अन्य आरोपी के साथ उसे जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। अदालत ने कहा कि पंचनामा गढ़ा गया है और इसे मौके पर भी तैयार नहीं किया गया, इसलिए पंचनामा के तहत दिखाई गई वसूली संदिग्ध है। कितनी वसूली है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आदेश में कहा गया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो दर्शाता हो कि आवेदक कुमार ने आरोपी नंबर 1 आर्यन खान या किसी को ड्रग्स की आपूर्ति की थी, इसलिए आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। एनसीबी ने कुमार के आवास पर, जिसके बारे में जिक्र चल रहा है, जिसकी जमानत दी गई है, आवास से 2.6 ग्राम गांजा बरामद करने का दावा किया। अब ये 2.6 2.5 ग्राम है या 2 किलो 6 ग्राम है, इसके बारे में हमें संशय है। इसमें लिखा 2.6 ग्राम गांजा बरामद करने का दावा किया था। ड्रग रोधी एजेंसी के मुताबिक कुमार आर्यन खान और मर्चेंट को गांजा और चरस सप्लाई करता था। अरे समीर वानखेड़े जी और एनसीबी के जितने भी मुखिया हैं, ये गांजा उत्तर प्रदेश में आ जाइए। अमिताभ अग्निहोत्री बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, अभी उन्होंने ट्वीट किया था कि यार इतनी सी गांजा के ऊपर ये परेशान फिर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में सीतापुर के आसपास अभी 60 किलो के करीब पकड़ी गई, क्या ट्रक पकड़ी गई है।
बरेली के पास हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ी है, ये 2.5 ग्राम गांजा और शाहरुख खान के दोस्त के पास 5-6 ग्राम ड्रग्स, इसमें ये 5-6 ग्राम पर कंसंट्रेट कर रहे थे समीर वानखेड़े, रेंसी भी, और देश को ऐसा बरगलाया जा रहा था कि शाहरुख खान और उसका बेटा और पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स के बारे में ये समझ लीजिए कि ये शायद पूरी हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को यहीं से सप्लाई होती है। और कितना फुटेज खाया गोदी मीडिया ने शाहरुख खान और उसके बेटे को लेकर, तो आप जानते हैं। आपको किन किन खबरों से दूर रखने की कोशिश की गई, ये भी आप जानते हैं। अब कोर्ट ने किस तरह की टिप्पणी की है समीर वानखेड़े की जांच के ऊपर, वो पंचनामा जो बनाया गया उसको मनगढ़ंत बताया गया है, तो देशवासियों को सोचने की भी जरूरत है इस खबर के आधार पर कि किस तरह की छोटी सी खबर को इतना बड़ा बना दिया जाए कि देश के अहम मुद्दों से उनकी नजर हट जाए, कहीं सरकार से लोग सवाल ना करने लगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आपको बतानी थी कि कोर्ट ने पंचनामा को मनगढ़ंत बताया और बताया कि व्हाट्सएप पर जो चैट हुई थी अजित कुमार की और जो आरोपी नंबर वन है, जो उसके मर्चेंट जिसके बारे में कहते हैं अरबाज, उससे ऐसे कोई मतलब पर्याप्त सबूत नहीं है कि इनको जो है ना हम पेडलर माने या ड्रग सप्लायर माने या हिंदुस्तान की जवानों की नस्लों के अंदर ड्रग सप्लाई वाला माने। ऐसा लगने लगा था कि 23 साल का शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स का इस्तेमाल ही नहीं करता, वो जो मुद्रा एयरपोर्ट पे 3,000 किलो ड्रग्स है शायद वो भी उसी ने मंगाई हो, ऐसा खबरों से प्रतीत होने लगा था। कोई सा भी चैनल दबाइए आप, अरे ड्रग्स शाहरुख खान का बेटा, फिर उसके अंदर कितने सारे पहलू निकले ये भी आप जानते हैं, कहीं मुस्लिम होने का, कहीं कुछ होने का, और ये खबर देश से बाहर निकल करके बाहर चली गई और फिर वहाँ पर किस तरह का एक भ्रम बना, एक किस तरह का जाल बना वो तो आप जानते हैं। लेकिन कोर्ट की टिप्पणी क्या समीर वानखेड़े की उस नियत पर शक सवाल नहीं करती? क्या एनसीबी की उस कार्यशैली पर सवाल खड़ी नहीं करती? क्या एनसीबी को चलाने वाले मुखिया हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का पूरे संचालन पर आवाज़ खड़े नहीं निकलती, सवाल खड़ा नहीं होता? तो कहने का मतलब यह है कि कोर्ट हमारी कह देती है लेकिन उससे पहले घटना हो चुकी होती है और टीवी पर बैठे एंकर्स खुद ही ट्रायल चला देते हैं, खुद ही मुजरिम घोषित कर देते हैं और पूरी दुनिया में उस पर्टिकुलर आदमी को जिसका भी नाम आया हो, दोषी साबित हो या ना हो, पहले ही उसे बता दिया जाता कि ही इज़ अ विक्टम और यही आदमी था जो हिंदुस्तान की जड़ों के अंदर जो है ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। आपको याद होगा जिस समय पेंडेमिक चल रहा था तो निज़ामुद्दीन मरकज से कुछ लोग निकल गए, दुनिया में हर जगह से निकले, हर जगह जी, लेकिन टीवी एंकर्स ने जिस तरह का माहौल बनाया, पहले ही मौलाना साद को ये बता दिया था कि शायद ये जो है ना ये ट्रेवलर हैं, यही लोग हैं जो कोरोना ट्रेवल लेकर आए हैं दुनिया में और दुनिया से बीमारी लाने वाले यही हैं। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर फिर क्या हुआ, जहाँ जहाँ वो तबलीगी जमात के लोग मस्जिद में थे उन पर छापा मार युद्ध के तहत ऐसा उन्हें पकड़ा जाने लगा जैसे कोरोना का जो वायरस है शायद वही तबलीगी हैं। किसने बनाया था वो जहन? वो बनाया था हमारी पुलिस ने, हमारी उन संस्थाओं ने जिन पर जिम्मेदारी संविधान ये देता है कि आपके सामने यदि कोई केस आता तो आप उसमें दूध का दूध और पानी का पानी कर दें बिना ये भेदभाव किए कि ही इज़ अ मुस्लिम और ही इज़ अ हिंदू। लेकिन ड्रग्स 1300 लोग बताए जाते हैं कि वहाँ पर मौजूद थे, 13 लोगों पर मुकदमा हुआ। उसके बाद फिर शाहरुख खान के बेटे को वो कर दिया गया, मतलब उस पर मरकूज हो गए, कंसंट्रेट इतना ज़्यादा हुआ कि फिर उसके ऊपर तमाम जो लोग थे ना हिंदूवादी संगठन और मुस्लिमवादी संगठन ये अलग अलग आकर के ही इज़ अ मुस्लिम और इसको इसलिए सताया जा रहा है। अरे भाई हीरो क्यों बनाया गया था फिर? हिंदू और मुस्लिम देख के हिंदुस्तान की जनता ने शाहरुख खान को सुपरस्टार थोड़ी बनाया, या हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान ने शाहरुख खान को सुपरस्टार थोड़ी बनाया, वो तो सारे ही भारत ने बनाया था, उसमें हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे सिख भी थे ईसाई भी थे, हीरो बनने में सबका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इन कुछ अंधभक्तों ने और कुछ आईटी सेल के ज्ञाताओं ने कहा किया, क्या किया यूं कि शाहरुख खान का जब नाम आया तो उनको ऐसा जाहिर कर दिया कि भाई यही लोग हैं। और ट्विटर पे मैं पहले आपको खबर दे चुका हूँ कि किस तरह से खाली शाहरुख खान ने उसके बेटे को नहीं, इन्हीं लोगों में ऐसा होता है, इन्हीं लोगों में ऐसा होता है, ऐसा करके लोगों ने करना शुरू कर दिया। हालांकि वो जमात मेरी नज़र में तो बहुत थोड़ी है, वो ही स्पॉयल कर रही है समाज को। लेकिन ये जब हमारी कोर्ट्स की जो रिजल्ट आते हैं, जजमेंट आते हैं, उनकी जो टिप्पणियाँ आती हैं, वो इन एनसीबी इन संस्थाओं को नंगा करने के लिए काफ़ी होती हैं, जिसमें बताते हैं कि आपका तो पंचनामा भी मनगढ़ंत लग रहा है। समीर वानखेड़े के साथ
जुड़ने वाले आईटी सेल और वो अनभक्तों की जमातों के मुंह पर ये रिपोर्ट एक तमाचा है कि जो कहती है कि इस व्हाट्सएप चैट कोई बहुत बड़ा सबूत नहीं है और ये पंचनामा भी मनगढ़ंत है। बड़ी खबर आपको बतानी थी कि कोर्ट ने भी इस एनसीबी और इनके लोगों पर, इनके बनाई हुई कार्रवाई पर, पंचनामे पर सवाल उठाते कहा कि मनगढ़ंत रिपोर्ट आपने तैयार की है। आपको खबर यही देनी थी। खबर आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और भविष्य में फिर मैं नई खबर के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।